आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी पारा चढ़ गया है। देश में जारी इस उथल पुथल के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी तेजी पकड़ रहा है। ईडी, सीबीआई और विपक्ष आमने सामने आ गए। जवाब नेता संजय सिंह के घर पर ईडी ने रेड मारी तो उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद बड़ा सवाल यह था कि जब संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत हाथ लगा ही नहीं तो उन्हें गिरफ्तार किस आधार पर किया गया। इसी बीच चर्चा इस बात पर भी तेज हो गई है कि जब घोटाला इतना बड़ा है कि एक के बाद एक आप नेता फंसते जा रहे हैं तो पूरी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। चलिए इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के सूत्रों ने जानकारी देते हुए कहा है कि संजय सिंह दिल्ली शराब नीति बनाने में शामिल थे, इसके लिए उन्हें मोटा कमीशन मिला था। हाल ही में नए सबूत मिलने के बाद ईडी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी और इस बात की जानकारी दी थी। इसी के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि ईडी दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर कानूनी विचार कर रही है। इसी का जिक्र करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने भी सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से अदालत में यही सवाल किया कि जब कथित घोटाले का पैसा पार्टी को मिला है तो पार्टी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर ही ईडी ने पार्टी को आरोपी बनाने का फैसला किया है। जल्द ही ईडी और सीबीआई इस बारे में विचार करेगी। कुल मिलाकर अब बात यह है कि अगर ईडी सीबीआई को सबूत मिलते हैं तो पूरी पार्टी के ऊपर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। एक ओर ईडी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी करते हुए कहा है कि सबूत हाथ लगने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें विपक्षी दलों का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक और दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने इसे ईडी का प्रोपोगेंडा बताते हुए कहा कि अगर ईडी आपको आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि 15 महीनों में से जो जान चल रही थी उसके जरिए मनीष सिसोदिया या फिर किसी और के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कम से कम एक तो सबूत वो देश के सामने रखें कि अगर कुछ मिला है तो वो लोग देख पाए। संजय सिंह के घर पर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एक तरह से ईडी एक नया प्रोपोगेंडा कर रही है बयानों के बार पलटवार में। बीजेपी की ओर से भी लगातार जुबानी हमले करते हुए आप पर निशाने साधे जा रहे हैं। अब इस केस में आगे क्या नया मोड़ आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप चैनल पर भी उपलब्ध है और साथ ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्रीमियम मेंबर बनने का भी मौका मिल रहा है। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, ज्वाइन करिए और अपडेट रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विश्व पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।